क्रूर ब्रह्मा क्रूर विष्णु क्रूर महेश्वर क्रूर साक्षात ब्रह्मा me a golden opportunity to stand in front of you and deliver a speech relating to one by journey of student to chair and head cashier. मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बिलोंग करता हूँ गुड़दा पिकर जोरिया से. मेरी माँ हेल्थ डिपार्टमेंट में है. हर स्टूडेंट की तरह मैं भी 10th क्लियर किया हूँ और मैं इस उलझन में फंस गया कि आगे क्या करना है. बट तभी मुझे एक्सेल डेटा सर्विस के बारे में पता चला और मेरी सारे उलझने सुलझ गई. यहाँ मैंने मुलाकात एक क्वालिटी टीचर मिस्टर रणवीर सर शाहजहां सर एंड पार्टी से हुआ, जिससे मुझे स्किल सिखाया और इस काबिल बनाया कि बहुत से छोटी उम्र में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं. Now I would like to present one liner in English in the behalf of respected the teacher. It is supreme but of the teacher to walk and join in the creative experience and knowledge. बात यही खत्म नहीं होती है, ये कहे तो असली शुरुआत यही से होती है. I got most important job of my life in Aizom BPO at Ranchi. You know Ranchi, I was related a very special for me because I if he asked my journey after going there. Call center में से कुछ working experience लेकर जा रहा था मैं एक सुपर स्टोर में, जो कि आप सबको पता होगा जो कि हमारे यहाँ पे रिलायंस सुपर स्टोर ओपन हुआ है. वहाँ पे मैं आइजन बीपीओ का एक सर्टिफिकेट लेके गया, इसीलिए गया क्योंकि मुझे कुछ जॉब मिल जाए. तो एब्सोल्युटली सी बात है, मुझे वहाँ पे इंटरव्यू देने के दौरान मुझे सीएसए का जॉब मिला, कस्टमर एसोसिएट सर्विस का. एक एक्सपीरियंस मिलने के बाद मैं फिर से मूव करना चाहा. कहते हैं ना दोस्तों, यू शुड कीप चेंजिंग इन द रिस्पेक्टेड ऑफ time because change in the positive. और ये सब जॉब करते करते हमने अपने पढ़ाई को इस काबिल जारी रखा. मैं इस बार पहुंच गया भी मार्ट में, जो भी रोहतारा चौक में है, आप सब देखिए होंगे. तो रोहतारा चौक पहुंच गया, वहां मैंने अपने मैनेजर से मिला उस सर्टिफिकेट को लेके जो मुझे सीएसए में मिला था रिलायंस से, रिलायंस सुपर स्टोर में. उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद हमने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और वहाँ पे इंटरव्यू पास करने के बाद मुझे कैशियर का जॉब मिल गया. तो आप सब देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट एक आइजन बीपीओ से किया और यहाँ तक मैं एक कैशियर तक पहुँच गया. जो जॉब है, जॉब को कंटिन्यू रखते रखते मैंने अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा. मैं इस बार चेंज करके जब मैंने वीमार्ट कैशियर में ज्वाइनिंग कर लिया, शायद हमारे लाइफ को ना हमेशा चेंजेस ही पसंद था, इसीलिए मेरा यह कदम यहाँ नहीं रुका. इस काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी था और अभी मैं डोमिनोज में एज ए हेड कैशियर का पोस्ट मिला और मैं हेड कैशियर में हूँ डोमिनोज में. और साथ ही साथ ईडीएस में मैं चेनर हूँ सीआरएफ के. अभी मैं अपने लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि बिजी लाइफ इज ए परफेक्ट लाइफ. सुबह 5 बजे सो के उठने के बाद मैं जब सारे रेडी होने के बाद मैं सुबह जल्दी से उठता हूँ. सुबह 4 बजे रेडी होने के बाद ऑफिस आता हूँ सुबह 9 बजे और 9 बजे से क्लास लेता हूँ शाम के 5 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ. इसके बाद 5 बजे से क्लास लेने के बाद
फिर एक घंटा ब्रेक लेने के बाद छह बजे मैं जो हमारे एटीसी का जॉब है जो मेरे डोमिनोज में है, मैं वहां पे 6 बजे से लेके 1 बजे रात तक काम करता हूँ। 6 बजे से 1 बजे तक, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सेंटर में, इसके बाद 6 बजे से लेकर 1 बजे रात तक मैं डोमिनोज में काम करता हूँ। बकायदा हमारे 11 बजे तक कस्टमर सर्विस रहता है, इसलिए वहाँ भी उस पद में हूँ। बाकी 1 बजे तक हमारी बैंकिंग का भी काम होता है, तो मैं काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सो मैंने किसी सो दिस इज माई ओवरऑल जर्नी एंड आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर, आई वांट टू बिकम मोर सक्सेसफुल इन माई लाइफ एंड आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ माय टीचर। So I would like to thanks once again my all of teacher and my mother who has always support me। ये सब अच्छे से success नहीं हो पाता जो हमारे teacher और मेरी माँ मुझे support नहीं करती। Now I would like to waste my speech but you should be sorry। ना थके हैं पैर मेरा ना ही हिम्मत हारे हैं, ना थके हैं पैर मेरा ना ही हिम्मत हारे हैं, घोषणा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी तक सफर जारी है। Thanks to all of my friends and have a nice day. Thank you so much.